अस्सलाम वालेकुम हबीबी, मुझे अभी अभी पता चला है कि 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 300 रुपए पर डे की किस्त के हिसाब से आप लोगों को घर मिल रहा है, और मैं जानना चाहता हूँ, नेशन जानना चाहता है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है मुंबई के अंदर 300 रुपए पर डे के हिसाब से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट में स्टेशन के नजदीक घर कैसे मिल सकता है। चलिए संवाददाता के पास। हेलो जी, बिल्कुल मैं सेलेस 612 के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे लोगों का भीड़ उमड़ा है। अरे बाप रे, मतलब 2 बेडरूम खत्म हो गया? हाँ, यहाँ पे खत्म हो गया। ओहो, 300 रुपया रोज का देने का है, मतलब टीएमसी बिल्डिंग है और नियर बाय अपना स्टेशन है, और क्या चाहिए इंसान को। तो इस हिसाब से पब्लिक को आसान पड़ता है, मिडिल क्लास लोगों को आसान पड़ता है। तो मैं खुद भी जा रहा हूँ, आप भी आइए, और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें, और कॉल भी दिया तो पता है क्या करना है। महेश लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आजकल धर्म और जाति के नाम पर लोगों की मानसिकता इस तरह की हो गई है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। दरअसल दीवार पर जय श्री राम लिख दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि दीवार पर ही तो लिखा गया है, तो खबरों के अनुसार आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है कि ये दीवार मस्जिद की है और इसके ऊपर रात के समय कुछ लोगों ने जय श्री राम लिख दिया है, और बाकायदा इसका वीडियो भी बनाया गया और सोशल मीडिया में वायरल भी कर दिया गया। वीडियो में दिखाई दे रहा है एक शख्स जो कह रहा है चलो अयोध्या धाम, जय श्री राम के नारे भी लगा रहा है, और ये वीडियो वहीं पर शूट की जा रही है। वीडियो में एक शख्स दीवार पर जय श्री राम लिखता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वहीं सोशल मीडिया में इस वीडियो को बताया जा रहा है कि ये अलीगढ़ का वीडियो है, और दावा किया जा रहा है कि मस्जिद की दीवार पर कुछ नफरती लोगों ने जय श्री राम लिख दिया है। हालाँकि पुलिस पर जो है सवाल खड़े कर रहे लोग कि पुलिस को इन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ जो दीवार पर जय श्री राम लिखा गया था उसे ही मिटा दिया गया है। हालांकि वहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस भी पहुंची थी। इस पूरे प्रकरण, इस पूरे मामले को लेकर अलीगढ़ पुलिस ने भी ट्वीट किया है इस संदर्भ में, और जानकारी दी है कि मामला ये पुराना है। धार्मिक स्थल के बराबर एक दुकान के ऊपर मजदूर ने ये लिख दिया था जिसे हटा दिया गया है, और दोनों पक्षों की सहमति आपसी सौहार्द से मौके पर शांति बनी हुई है। पुलिस की तरफ से इस तरह का ट्वीट करके इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई है, लेकिन सोशल मीडिया में ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मस्जिद की दीवार है और उस पर जय श्री राम लिखा गया। वहीं पुलिस का कहना है कि मस्जिद के बराबर ही एक दुकान है, उसके वहां पर जो है ये जय श्री राम लिखा गया है। जय श्री राम, जय श्री राम, चलो अयोध्या धाम। बहुत ही हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात है, बहुत ही सौभाग्यशाली बात है कि हमको अपने सामने भव्य राम मंदिर देखने को मिला। इसी क्रम में पूरे अलीगढ़ के अंदर, अलीगढ़ महानगर के अंदर या पूरे भारत के अंदर खूब तैयारियाँ जोर से चल रही हैं। 22 जनवरी को लेकर हमारे अलीगढ़ में इस समय हमारे सभी संघ के स्वयंसेवक और भजन दल के कार्यकर्ता, भाजपा के मंत्री, युवा लेखन का इस समय काम कर रहे हैं। जगह जगह श्री राम, जय राम, जय जय राम, चलो अयोध्या धाम। 22 जनवरी को ये प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसके सभी कार्यकर्ता हर जगह हर नगरों में लगे हुए हैं। मैं कहूँगा आप सब हर्षोल्लास से उत्सव को बनाइए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जय श्री राम। हाँ, इसी क्रम में 26 तारीख को अक्षत प्रदर्शन होंगे। पेंटर सभी स्वयंसेवक कार्यकर्ता जाएंगे और पीले चावल का मौका लेकर प्रत्येक हिंदू परिवार में, प्रत्येक सनातनी परिवार में हम जाएंगे, और पीले चावल और भगवान राम का चित्र और अयोध्या धाम का जो चित्र, जो अयोध्या में मंदिर बना है, उसको लेकर सबको आमंत्रण करेंगे कि जाइए आप, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, राम मंदिर हम देखने जा रहे हैं। उसके बाद 30 तारीख को इसी कार्यक्रम के निमित्त 30 तारीख को हरिगढ़ महानगर में कम से कम 10,000
की संख्या में बाइक रैली निकलेगी पूरे अलीगढ़ थाने के अंदर घूमेगी। और उस बाइक रैली का दृश्य ऐसा होगा भगवान में पूरे अलीगढ़ को कर दिया जाएगा। 30 तारीख को जागरूकता रैली है अयोध्या डेलीगेट मस्जिद, इस पर लिख के गए हैं जय श्री राम। ये मस्जिद है डेलीगेट चौड़ाएगी, ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं, मस्जिद है ये। पुलिस वाले अभी आए, बिल्कुल अभी आए ये लोग सब। डेलीगेट मस्जिद है चौड़ाएगी,